कल हमारी टीम चेकिंग पर थी तो हमें गुप्त सूचना मिली कि तीन व्यक्ति पंजाब से कोई वारदात करके आए और स्टेशन पर बैठे हुए हैं तो उनके पास घातक हथियार है। तो हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की तो तीन आदमी जिनमें नाम एक का नाम रविंदर मालूम हुआ, एक का हसनप्रीत और एक जो है स्वर्णजीत सिंह है और तीनों ये मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये कल लूट की वारदात करके परसों और वहाँ से माला आए थे और चंडीगढ़ वगैरह जाने के छुपने के फराक में थे और इनको हमने राउंड अप किया। तो रविंदर के पास से एक रिवॉल्वर लूटा हुआ जो सरकारी ऑर्डिनेंस का वो है पिस्टल है लाइसेंसड और एक उसके पास से चक्कू बरामद हुआ कारण हुआ और हसनप्रीत के पास से तीन रोंद जिंदा और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और स्वर्णजीत से चार रोंद और एक देसी कट्टा। टोटल कितने राउंड जिंदा बरामद किए गए जी? टोटल कितने जिंदा राउंड बरामद किए गए? टोटल सात राउंड जिंदा 315 बोर है। जैसे नहीं इनके पास लूट का पिस्टल जो है इनका लूट का ही सामान है वो बरामद किया गया। डीएसपी गिद्रवा से हमारी बात हो गई है, उन्होंने इस बात में बड़ा अपसेट किया और उन्होंने बताया कि ये इनके खिलाफ दो तीन मुकदमे वहाँ लूट के दर्ज हैं और वो इन माने भी हैं। सर कहाँ के रहने वाले? ये तीनों मुक्तसर के रहने वाले हैं, आसपास के गांव हैं, साथ साथ वहीं के रहने वाले हैं। तीनों एक ही गाँव क्या सर? नहीं साथ साथ में गाँव हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। क्या इनका आज कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ आज कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड मांगा जाएगा और गहन तफ्तीश की जाएगी जो क्या क्या वारदात की है जहाँ जहाँ से लेके आए हैं जहाँ लूट करके आए वहाँ सारी जगह ले जाया जाएगा। फिलहाल जो डीएसपी साहब ने बताया है वर्बली उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ दो तीन लूट के मुकदमा दर्ज हैं, बाकी तफ्तीश के दौरान देख लेंगे इनका क्या रिकॉर्ड सामने आता है।